जय हिंद टू एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट द मेजर कल्सी क्लासेस। आप सभी का मेजर कल्सी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर मेजर कल्सी परिवार आप सबके लिए एक बेहतर मॉडल पेपर लेकर क्या है, और ये पहला मॉडल पेपर है जीके का। तो पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए, एक एक क्वेश्चन को बड़े तहे दिल के साथ करेंगे और बेहतरीन कलेक्शन है। अगर आप इन 25 क्वेश्चंस का प्रॉपरली आंसर कर लेते हैं तो आप समझिए आगामी जो एग्जाम्स हैं आपके एयरफोर्स नेवी आईसीजी के उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी थे। तो यहाँ पे ये प्रश्न है हड़प्पा, तो हड़प्पावासी यानी कि प्रश्न आप समझ गए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जैसे ही खागा हमारे दिमाग में जाता है तो यहाँ पे एक प्रश्न निकल कर के आता है कि किस वस्तु के उत्पादन अग्रणी थे, तो यानी कि कपास, कॉटन। अब कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन को ये लोग क्या कहा करते थे बेटा, कॉटन को ये कहा करते थे सिंडन। क्या कहते थे बेटा? सिंडन कहा करते थे, याद रखिएगा। तो पूछा जा सकता है कि भाई सिंडन कहाँ का व्यापार हुआ करता था, सिंडन कहाँ का व्यापार हुआ करता था। तो हड़प्पन पीपल वर द लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। तो सिंडन पूछ ले या कॉटन पूछ ले, दोनों बात एक ही है। अब आईबीसी की जैसे ही मेरे दिलों और दिमाग में बात होती है, एक्सपेंशन की बात होती है, टोटल एक्सपेंशन कितना था, टोटल एरिया कितना था, ये सारी बातें आपके दिल और दिमाग में आनी लाजमी है और आना भी चाहिए, क्यों ना आए भाई। आप अभिषेक सर से जी के पढ़ रहे हैं तो देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम इसके एक्सपेंशन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इंडस वैली की, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है। यार ईस्ट के क्षेत्र में जो एक्सपेंशन अगर आप देखेंगे तो वो कितना मिलेगा आपको, वहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो एक्सपेंशन मिलेगा बेटा, इसका विस्तार मिलेगा आपको मेरठ में आलमगिरीपुर तक मिलेगा। मेरठ में आलमगिरीपुर तक मिलेगा, कहां पर? आलमगिरीपुर तक। मान लीजिए ये मेरठ है, बना दी ठीक है। और किस नदी के किनारे बेटा? हिंडन नदी के किनारे। उस नदी का क्या नाम है बेटा? हिंडन नदी। ये बात शायद सभी को क्लियर है। अच्छा, वेस्ट में एक्सपेंशन की जैसे ही बात करते हैं तो वेस्ट में जब एक्सपेंशन की हम बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? सुत कांगेडो। क्या बोलेंगे हम लोग? सुत कांगेडो। और ये स्थान कहां पे पड़ेगा? बलूचिस्तान, ऐसा मान लिया ठीक है, और वर्तमान में तो पाकिस्तान। और किस नदी के किनारे यह स्थान पड़ेगा? ये दास्क नदी के किनारे। ये बात भी क्लियर हो गई। अब उत्तर की बात करता हूं तो जम्मू एंड कश्मीर, और स्थान की बात करूं तो मांडा, स्थान की बात करूं तो मांडा। अब जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, नॉर्थ की बात हो गई ना, नॉर्थ में मांडा चिनाब नदी, और साउथ में जैसे ही आप आएंगे तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कौन सा स्थान? दैमाबा। और कौन सी नदी है? प्रवरा नदी, प्रवरा रिवर। कौन सी नदी? प्रवरा रिवर। अब ये बात क्लियर है। टोटल एक्सपेंशन अगर आईबीसी का आपसे कोई पूछे तो आप इतना बता देना, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। अब शायद ये प्रश्न का उत्तर आपको बेहतर तरीके से, अच्छा सिंधु सभ्यता को ही आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, इसी को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं इसे? ब्रॉन्ज एज भी सिविलाइजेशन कहते हैं। अच्छा ब्रॉन्ज कहने का मतलब क्या है? ब्रॉन्ज कहने का मतलब क्या है? ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है इस सभ्यता में? ब्रॉन्ज का मतलब होता है कॉपर और टिन को जब मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? कांसा बनेगा। तो इसे क्या बोलेंगे? कांस्ययुगीन सभ्यता बोलेंगे। कौन सी सभ्यता बोलेंगे? कांस्ययुगीन सभ्यता बोलेंगे। तो इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता था। सिंधु घग्घर सिविलाइजेशन कहा जाता था। और आप जानते हो कि ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी, ट्रेड बेस्ड सिविलाइजेशन थी, बार्टर सिस्टम का प्रयोग किया करते थे ये लोग, वस्तु विनिमय का प्रयोग किया करते थे ठीक है, क्लियर है बात। जैसे कि आपके यार दोस्त आज पनीर बनाने का मूड बनाए, अब टमाटर कम पड़ गया तो पड़ोसी के रूम में गए, कहे भाई टमाटर दे दो, तो उसने कहा पनीर दोगे तब देंगे। तो मतलब मुद्राओं के बिना जो व्यापार हुआ करता था, एक्सचेंज ऑफ गुड के बिहाफ
थे उसे कहा जाता था बार्टर सिस्टम। ये था शांतिप्रिय सभ्यता थी, किसी युद्ध का प्रमाण नहीं मिला, तो क्या था शांतिप्रिय सभ्यता थी। हाँ, अर्बन सिविलाइजेशन थी, क्यों? क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण अंचल का आपको परिवेश ही देखने को नहीं मिलेगा, घर ग्रिड सिस्टम पे हुआ करते थे, इनके देवी देवता भी हुआ करते थे, मदर गॉडेस मातृदेवी की पूजा करते थे फीमेल में, और मेल में पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। तो ये इनकी परंपराएं थी। इनका समाज स्किल बेस्ड था, स्किल बेस्ड था यानी कि कह सकते हैं आप विद्वान हुआ करते थे, शिल्पकार हुआ करते थे, योद्धा हुआ करते थे ना, और व्यापारी हुआ करते थे। चार कैटेगरीज में इनकी सोसाइटी डिवाइडेड थी। अब यहां तक शायद कोई भी किसी तरीके से प्रश्न को घुमा दे, आप बड़ी आसानी से बखूबी से आंसर कर पाओगे। और जैसा कि आप जानते हो कि हिस्ट्री में जब तक उसकी स्टोरी नहीं जानोगे अगले की, तब तक आप हिस्ट्री को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। तो अगले प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं। ये सारी चीजें आपको शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हड़प्पा पहला स्थान था जिसकी खोज की गई, और इसीलिए हड़प्पा इस सभ्यता को कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में। आपको बता दें आईबीसी से रिलेटेड जो मैक्सिमम साइट्स मिली है वो भारत में मिली है, फिर पाकिस्तान में, फिर अफगानिस्तान में। जो आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके सबसे अधिक स्थान जो मिले वो भारत में मिले, फिर पाकिस्तान में, फिर अफगानिस्तान। ठीक, ये आईबीसी जो टर्म है, टर्म क्वाइंड किया गया सर्वप्रथम, इसके बारे में कुछ सुझाव या प्रस्ताव लाए गए, सोचा गया इसके बारे में चार्ल्स मैसन के द्वारा। ठीक है भाई, तो आगे की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़े खूबसूरत प्रश्न लाया हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको इन प्रश्नों का कलेक्शन बढ़िया लगेगा, बेहतर से बेहतर प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन थे? अब देखो, हमने कहा ना Who is the ancient law author of Vedic period? देखो ध्यान समझना, मैं कह रहा हूं ना प्राचीन हिंदू विधि मतलब कानून की किताब, या तो हिम्मुराबी की विधि संहिता मानी जाती थी, या मनुस्मृति को माना जाता था, और जिसमें यह माना जाता था नियम का। अच्छा, कानून का मतलब क्या है? कायदा कानून, जहां पे जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या हो, फॉलो हो। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो यार, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनी है। ये भी प्रश्न आ सकता है, जो स्मृति के आधार पर ग्रंथ लिखा जाए काफी दिनों तक, मतलब जो अपनी मेमोरी बेस पे चीजें लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? मनु स्मृति। क्या मतलब? नाम दिया गया मनु ने लिखा था, ऋषि मनु ने, तो मनुस्मृति आपकी पुरानी किताब हो गई हिंदू विधि की। ठीक, अब आ जाए आगे की ओर चल। अष्टांगिक मार्ग, आप नाम से फोकस्ड हो जाओ। अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या है? आठ मार्ग, मतलब आठ रास्ते। जीवन में जो दुख दुविधा है, समस्या है, उससे भव सागर पाने के आठ मार्ग बताए गए गौतम बुद्ध के द्वारा, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा? गौतम बुद्ध जी को। अब देखो ध्यान समझिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक भी थे, आप सबको पता होगा, इन्होंने बताया था कि अष्टांगिक मार्गों के द्वारा अपने दुखों से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते। किसने? मतलब बौद्ध धर्म बताया गया। तो अष्टांगिक मार्ग जो है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जैन धर्म के जो है स्वामी महावीर। ठीक है, ये बातें। आजीवक के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली पुत्र घोषाल। कौन थे? मखली पुत्र घोषाल। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटीज के बारे में, विश्वविद्यालयों के बारे में। आप जानते हो कि नालंदा और तक्षशिला दो प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करते थे। नालंदा बोलूं तो बिहार, तक्षशिला वर्तमान में अगर क्षेत्र विशेष की बात करूं तो पाकिस्तान। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो कराया गया था किसके टाइम पीरियड में कराया गया था? गुप्त अम्पायर के समय में। ऑब्वियस ही बात है, उस समय का जो रूलिंग टाइम पीरियड जो शासक थे उनका नाम था कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के समय में किया गया। और जब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया जाता है तो एक नए विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जाता है, उस विश्वविद्यालय का नाम था विक्रमशिला। और अगर हम बात करेंगे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, किसने बनवाया? धर्म। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आप सभी देख लें भाई, अगला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पे है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो पहली बात तो आपको फोकस करना होगा कि क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, फिर एलिमिनेशन मेथड। अकबर बिल्कुल पॉसिबिलिटीज नहीं,
फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल नहीं, फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल नहीं, बलबन बिल्कुल नहीं। तो आप ऑब्वियस सी बात है कहां पे जा सकते हैं, किसके साथ, महमूद गजनवी। अलबरूनी पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने भारतीय वेद पुराणों का अध्ययन किया था, द फर्स्ट पर्सन। और संस्कृत सीखने के लिए अलबरूनी बनारस में रहा था, यहाँ पे संस्कृत सीखा था। इसने इस आधार पे मैं कह रहा हूं कि हमारे वेद पुराणों को अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम। अलबरूनी ने किताब उल हिंद तहकीकात ए हिंद नामक ग्रंथ लिखा। और इसके साथ एक विद्वानों की टोली आई थी, महमूद गजनवी। ये वही महमूद गजनवी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और 1025 में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, महमूद गजनवी। मैं उसे की बात कर रहा हूं। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे आप देख पाएंगे आपके सामने जो प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे। अब मत फोकस हो, कहीं भटको मत। अब ऑब्वियस सी बात है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे। तो पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ, 1526 में। दूसरा कब हुआ, 1556 में। अच्छा तीसरा कब हुआ, 1761 ना। अब ये आप इस पे फोकस्ड हो जाए और इसके आधार पे आप कॉमन सेंस के आधार पे इसका आंसर कर पाओ। टाइम पीरियड थोड़ा सा, किस शासक के बाद कौन आया, आप अगर फोकस्ड हो जाओगे तो आपका एग्जाम निकला। क्लियर हो गई बात। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम में बेटा पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे फोकस करो और ऐसे टारगेट करो कि सर मुगल के बारे में, कई बच्चे कहते हैं सर सीक्वेंस नहीं याद होता, तो आप सीक्वेंस के पीछे ना पढ़ो ना। आप यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे कैसे मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। कोई पूछे तो एक ट्रिक याद कर लो, भाजपा एक पार्टी है ना, भाजसा याद कर लो। अब ऑटोमेटिक सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा, बी फॉर बाबर ना, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर औरंगजेब, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, अरे अकबर यहां पे सुनो, यहां पे ए फॉर, यहां पे आप अकबर करेंगे सुनो, यहां पे क्या करेंगे बेटा, अकबर ना। देखो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, देन आफ्टर औरंगजेब ना, औरंगजेब यहाँ पे होगा। अब ठीक है, कुछ नहीं करना है, भाजसा याद करो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये बात क्लियर है सभी को, यहां तक शायद उम्मीद करता हूं। अब इनका टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट हुआ बेटा, 1526 से, औरंगजेब 1707। हालांकि ये ग्रेट मुगल्स थे। अब इसके बाद जो पोस्ट मुगल्स का टाइम पीरियड था वो एक्चुअल में 1707, और इसे कठपुतली शासन भी कहा जाता है। और 1800 आप कह सकते हैं कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई तो सब खत्म, बहादुर शाह द्वितीय, तो 1862 में इनकी डेथ हो जाती है, बहादुर शाह द्वितीय की। तो आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना है थोड़ा सा, किसके बाद कौन सा सिक्वेंस हुआ, और आप आसानी से सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाओ। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं भाई। अगला प्रश्न, अब देखो बंगाल में द्वैत शासन, यार द्वैत शासन किसके बाद आया, सबसे पहले तो ये फोकस करो, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ। कब हुआ, 1757 में, अंग्रेजों ने जी भर को भारत को लूटा, फिर 1764 में बक्सर के युद्ध में जी भर के लूटा, और इसी के बाद क्या किया इन्होंने 1765 में, अब कहे अब दोनों हाथ से आओ लूटे, तो द्वैत शासन डायरकी लगा दी, डुअल गवर्नमेंट, या इसी को बोलते हैं डायरकी। क्या बोलते हैं, डायरकी बोलते हैं। और आप जान ही गए कि कब इसको लगाया गया, 1765 में, कोई दिक्कत ही नहीं, 1765। डायरकी उस जमाने में मतलब क्या था, द्वैत शासन, दोहरा शासन, यानी कि डायरकी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, दीवानी राइट्स, निजामत राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है, दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है, कर वसूलने संबंधी अधिकार। दीवानी राइट्स का मतलब कर वसूलने संबंधी अधिकार। निजामत राइट्स का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड पावर, निजामत राइट्स।
यही दो। और आपको बता दें फादर ऑफ डायरकी किसे कहा जाता है? निजामत राइट्स का मतलब प्रशासन संबंधी अधिकार, दीवानी राइट्स का मतलब कर वसूलने से। फादर ऑफ डायरकी किसे कहा जाता है? लियोनल कार्टिस को, लियोनल कार्टिस। चलिए आगे की ओर चलिए। अब आप जानते हैं कि भारत में तीन प्रकार की व्यवस्थाएं थी, परमानेंट सेटलमेंट, फादर कार्नवालिस, और फिर इसके बाद परमानेंट सेटलमेंट के बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तीन कैटेगरी में, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त के जनित कार्नवालिस, फिर इसके बाद आया हमारे यहाँ क्या रैतवाड़ी, मतलब जो परमानेंट सेटलमेंट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच में किया गया, किसान को कोई वैल्यू ही नहीं। फिर आया रैतवाड़ी, ये किसानों के साथ किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। फिर आया महलवाड़ी, ये गांव के मुखिया के साथ और अंग्रेजों के बीच में किया गया। तो जो रैतवाड़ी था उसके फादर कौन कहे जाते हैं? मुनरो। और महलवाड़ी के कौन माने जाते हैं? हाल्ट मैकेंजी साहब माने जाते हैं। चलो आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अब देखो यहाँ पे बड़ा प्रश्न अच्छा है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज बहुत पूछा जाता है। ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना करी? सत्य शोधक समाज, मतलब दलितों के मसीहा बने, दलितों के लिए आवाज उठाई, छुआछूत की भावना को बिल्कुल समाप्त करने का पूरा प्रयास किया गया। और किसने करी? ज्योतिबा फूले ने ही एक किताब लिखी थी, गुलामगिरी, ये भी पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज पूछा जाएगा कब की स्थापना करी? 1828 में राजा राम मोहन राय ने करी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे बेटा, ठीक है। चल आगे की ओर चलते हैं। देखिए मूल अधिकारों संबंधित प्रस्ताव कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन? अब 1931 में जो हुआ था उसके थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप जानते हो कि 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया था, और हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हो चुके थे और हमने ये कमिटमेंट कर ली थी अपने आप से कि अगला 26 जनवरी 1930 को हम लोग पहला फर्स्ट अपना इंडिपेंडेंस डे, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे, आजादी की घोषणा 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बेटा? आचार्य जेबरी कृपलानी। महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक ही बार आईएनसी के अध्यक्ष बने थे, 1924 बेलगांव कर्नाटका, याद रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पहलू। चीन क्या है? चाय एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के अन्य सभी व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त? तो कब? 1813 चीन एवं चाय के साथ व्यापार को छोड़कर के कंपनी के अन्य सभी व्यापारिक अधिकार कब समाप्त हुए? 1813। ठीक है, अगला प्रश्न, संपत्ति के मूल अधिकार को संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, मतलब आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया और अब इसे 300A कर दिया गया, यानी कि आप कह सकते हैं 42वां संविधान संशोधन, नहीं 44वां संविधान संशोधन और 1978। और कहां रखा गया बाद में इसे? रखा गया संविधान के किस भाग में? संविधान के 12वें भाग में, 12th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस प्रॉपर्टी, दल विरोधी। अब देखो यहां पे पूछ रहा है, आप जानते हो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात कर रहा है, राजीव गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक। तो दल विरोधी कानून का संबंध किस संविधान संशोधन से? 52वां, 1985, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन। अब देखो यहाँ पे आइए क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? बगदाद टिग्रिस, न्यूयॉर्क हडसन, पेरिस सिन नदी, इराक दजला नदी, और यहाँ पे ईरान, इराक ईरान अलग अलग दे रहा है हिंदी इंग्लिश में, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पे इराक है, यहाँ पे ईरान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत हो। चीन का शोक किसे कहा जाता है? चीन का शोक किसे कहा जाता है? हैंगहो नदी को, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी। आगे की ओर मूव ऑन करते हैं।
भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? 29-33 किलोमीटर। क्लियर है बात यहां तक? कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य? महाराष्ट्र, केरला, पश्चिम बंगाल, गुजरात। विल बी द राइट आंसर गुजरात। कक्ष कारण आपको पता भी होगा, ठीक है। और इसी गुजरात में लोथल, इसी गुजरात में लोथल ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है ना, आपको पता होगा। चल आगे चलते हैं ना। ये भारत की पहली जल विद्युत पावर स्टेशन कहाँ है बेटा? सिंद्रा पोंग। और कहाँ पर बेटा? वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। अंग्रेजों के जमाने में ही इसकी स्थापना कर दी गई। आइए आगे चलते हैं, आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का। ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, इससे आसान कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मैंने इसलिए क्वेश्चन ले लिया कि भैया आपके एग्जाम में बहुत आता है। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 10 फरवरी, 24 फरवरी, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। चलिए आगे की ओर है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि फरवरी का महीना है तो क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने लिखा। किसने? गीत गोविंद जयदेव ने। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा। वेदव्यास ने क्या लिखा है? महाभारत लिखा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चल आगे की ओर चलते हैं। तो यानी कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अब आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इंडिया डिवाइडेड, ये किसने लिखा? इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, तो बिल्कुल वही होंगे। कौन होगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आइए आगे की ओर चलते हैं। भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है बेटा? कानपुर। भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर। आगे की अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। आसफ उद्दौला द्वारा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे बनवाया गया बेटा? लखनऊ। कहाँ पे बनवाया गया? लखनऊ में। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चंस किए, और इसी तरीके से आप मित्र कलसी परिवार के साथ एसोसिएट रही। आपका दिन शुभ हो, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।